दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पीडीएफ पासवर्ड के बारे में। जैसे दोस्तों जब आप अपना कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जब उसका बिल जनरेट होता है तो आपके ईमेल पर एक स्टेटमेंट भेजा जाता है पीडीएफ में। कुछ इस तरह से देख सकते हैं, आपके ईमेल पर स्टेटमेंट आता है। जब दोस्तों आप इस स्टेटमेंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलता है। जब दोस्तों आप पीडीएफ को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड डालने के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा पासवर्ड डालना है इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट पीडीएफ पासवर्ड के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा पासवर्ड डालना है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड कौन सा डालना है इसके बारे में यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है, तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको जो पासवर्ड में आपको अपना नाम का फर्स्ट 4 लेटर डालना है और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का डेट और मंथ डालना है। जैसे मेरा नाम सानू कुमार है तो दोस्तों यहाँ पर हम जो अपना नाम का फर्स्ट 4 लेटर डालेंगे SANU। इसी तरह से जो भी आपका नाम होगा आपका नाम का फर्स्ट 4 लेटर डालना है। और यहाँ पर दोस्तों जो आप फर्स्ट 4 लेटर डालेंगे अपना नाम का वह दोस्तों स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उस डेट ऑफ बर्थ का दोस्तों आपको डेट और मंथ डालना है। जैसे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000 है तो दोस्तों यहाँ पर आपको 01 01 डालना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर आप अपना नाम का फर्स्ट 4 लेटर डालेंगे स्मॉल लेटर में और दोस्तों अपना डेट ऑफ बर्थ का डेट और मंथ डालेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जो पीडीएफ है ये दोस्तों ओपन हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पीडीएफ का पासवर्ड क्या होता है, क्या आपको डालना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।